कांकेर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक शिशुपाल शौरी के संसदीय सचिव बनने के बाद आज प्रथम नगर आगमन हुआ, जहां कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जगह जगह उनका फूल माला पुष्प गुच्छ व आतिशबाजी से उनका जोरों से स्वागत किया। नगर के पीजी कॉलेज के पास युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। स्वागत उपरांत विधायक शौरी पैदल ही विश्राम गृह पहुंचे, जहां जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं का स्वागत व बधाई के लिए हुजूम उमड़ पड़े, जहां सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने एक एक करके स्वागत कर बधाई दी। विधायक शौरी ने इस उपलब्धि के लिए कांकेर के मीडिया के साथियों ने भी उन्हें बधाई व शुभकामनाएं दी। जो क्षेत्र की जनता है, जिस विश्वास के साथ हमको चुना है, सरकार को चुना है, वही हमारी प्राथमिकता है और हमने जो वादे किए थे वो वादे पूरे करने जा रहे हैं हम पूरे के पूरे धीरे धीरे करके। और जहाँ स्थानीय स्तर की बात है, हमारी जो उच्च प्राथमिकता रहेगा शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, इसके अलावा जो यहाँ के बारे में, कांकेर के बारे में अपना जो सपना है, कांकेर को प्रकृति ने इतना खूबसूरत बनाया है, इतना खूबसूरत वरदान दिया है, हम उसका समुचित संवर्धन नहीं कर पाए थे। अभी हमारे नदी का है, दून नदी का, गड़िया पहाड़ का है, रोड का है, एक सुव्यवस्थित मार्केट, एक ऑडिटोरियम सुव्यवस्थित होना चाहिए, मंगल भवन सुव्यवस्थित होना चाहिए, ताकि गरीब से गरीब लोग भी अपने शादी विवाह परेशान से कर सकें। तो एक सपना कांकेर के बारे में है और इसमें तेज़ी से काम भी हो रहा है और आप देखेंगे कि दो तीन साल के अंदर कांकेर का दृश्य बदलेगा और न केवल हम इसको सुंदर बनाएंगे बल्कि एक धार्मिक नगरी के रूप में, एक पर्यटक नगरी के रूप में इसको विकसित करने का हमारा प्लान है। TCP 24 न्यूज़ के लिए कांकेर से चंद्रशेखर पटेल की रिपोर्ट।